नमस्कार दोस्तों, पठान के बाद जवान रच दिया है बहुत बड़ा इतिहास, कर दिया खिलाड़ी कुमार को पीछे एक मामले में और नेट कलेक्शन में सबसे ज़्यादा कमाई करने का बना डाला है बहुत बड़ा रिकॉर्ड। अब ऐसा लग रहा है कि इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ने वाला है। दरअसल मैं बता दूं, एक साल में सबसे ज़्यादा नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक किसी स्टार के पास था तो वो था अपने खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के नाम। देखा जाए दोस्तों, सन 2019 में अक्षय कुमार की एक साल के अंदर चार फिल्में रिलीज होती हैं और चारों की चारों फिल्में देखा जाए नेट कलेक्शन के मामले में तबाही मचा देती हैं। अगर हम उनकी मूवी की बात करें तो उनकी मूवी सन 2000 में पहली मूवी रिलीज होती है 21 मार्च को, जिसका नाम होता है केसरी। और देखा जाए दोस्तों, इस मूवी ने 155 करोड़ 70 लाख रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं उनकी दूसरी मूवी रिलीज होती है 15 अगस्त को, मिशन मंगल। दोस्तों देखा जाए, इस मूवी ने नेट कलेक्शन के मामले में 203 करोड़ 8 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं 25 अक्टूबर को उनकी मूवी रिलीज होती है हाउसफुल 4, और देखा जाए दोस्तों, इस मूवी ने 210 करोड़ 30 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं उनकी चौथी मूवी रिलीज होती है 27 दिसंबर सन 2019 को, और इस मूवी का नाम होता है गुड न्यूज़। और ये मूवी नेट कलेक्शन के मामले में करती है 205 करोड़ का कलेक्शन, और टोटल कलेक्शन होता है 774 करोड़ 17 लाख रुपए। और देखा जाए दोस्तों, इस रिकॉर्ड को 4 साल बाद शाहरुख खान ने तोड़ दिया है सिर्फ अपनी 2 मूवी के ही जरिए। देखा जाए दोस्तों, अगर पठान मूवी की बात करें तो पठान मूवी का टोटल नेट कलेक्शन था 543 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम जवान की बात करें तो जवान ने अब तक टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है 340 करोड़ रुपए का, और इसका टोटल कलेक्शन होता है 883 करोड़ रुपए। यानी कि देखा जाए दोस्तों, इस मामले में शाहरुख खान ने अक्षय कुमार को कर दिया है पीछे और 4 साल पुराना रिकॉर्ड अक्षय कुमार का कर दिया है ध्वस्त। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सब बातों को लेकर के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।